पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Semtex Cements, Rishtan his Mazboot Imarat. Gati mazan yi zungash, aisi ruzin paghaj a. इस रिश्तन बरहव गोड इस पखन कढ़ वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग J&K, खुश आमदीद, इस्तकबाल आप सबका अपने लाइव शो गुड मॉर्निंग J&K के आज के शुमारे में इस दुआ के साथ कि रब कायनात हम सबको अच्छी सेहत दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, सच्चाई के साथ जीने की ताकत अता फरमाए, सच्चाई की तौफीक दे, उस रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, आज बुधवार है 17 फरवरी साल 2021। उम्मीद करते हैं हमारे सभी नाज़रीन खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जब भी हम तंदुरुस्ती और सेहत की बात करते हैं, हमारी मुराद यही होती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर जो है कि हम देखें कि सेहत से मुराद यही नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पे जो है सेहतमंद रहें, उसके साथ जो है जहनी तौर पे भी सेहतमंद होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर क्या करते हैं कि हमारी जो सेहत बिगड़ जाती है, हमारी छोटी छोटी आदतों की वजह से हम कभी कभार ऐसा भी कर लेते कि वक्त पर खाना नहीं खाते या रात को देर तक जागते रहते हैं और वर्जिश को ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, तो ये भी वजूहात बन सकती हैं कल की जो आपकी जो सेहत है वो बिगड़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पे खाना खाया जाए, स्किप ना किया जाए, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये तो कहा ही गया है, दानाओं का कॉल है, उस पर अमल करना चाहिए। और वर्जिश भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर तब, क्योंकि अभी तो हम वर्जिश कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं कि सेहत हमारा साथ दे रही है, लेकिन कल खुदा न खास्ता जब आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तब डॉक्टर साहब आपको मशवरा देते हैं कि आपको अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है, अगर फिट रहना है, तो आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन तब सेहत जो है आपका साथ नहीं देती और तब आपको ख्याल ये आता है कि काश मैंने वक्त पे इसको अपनी मामूलात में शामिल किया होता। तो आज से इसकी शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, हम कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो जनाब, इसके साथ साथ एक और बहुत ही खूबसूरत बात ये भी है कि हमें खुश रहना सीखना चाहिए, और खुश रहने के लिए अगर हम देखें कि एक दाना और अक्लमंद जो आदमी होता है वो हमेशा जो है आलाम और तकालीफ में भी खुशियों की वजह ढूंढ लेता है, वो अपनी तदाबीर से हवाओं का रुख मोड़ देता है, वो कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करता, कभी हालात के सामने झुकता नहीं है, लोग उसके सामने उसके ज़ख्मों को देख के आंसू बहाते हैं और वो सिर्फ यही कहता रहता है कि धूप की सख्ती तो थी लेकिन फराज, धूप की सख्ती तो थी लेकिन फराज, ज़िंदगी में और भी था साया बहुत। जी हाँ, हिम्मत हारना, शिकस्त तस्लीम करना और छोटी छोटी बातों पे वावेला मचाना, ये दानाओं का ये और ये बहादुरों का शेवा नहीं है। और आप बहादुर हैं, आप हिम्मत नहीं हार सकते, ये हम जानते हैं,
इसे छोटी छोटी बातों पे मायूस होना छोड़ दें और अपने आप पे आत्माद रखें, भरोसा रखें। जो काम आप कल नहीं कर पाए उसे आप आज करें, अपनी मेहनत से, उस पैशन के साथ, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज के शो में मैं मसूद मुंतजर और इकरा आखून आपके मेज़बान रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत बातों के लिए। जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है और मौसम चाहे जैसा भी हो, एक इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत बातों के लिए। खैर, शेर वनान कि मैं क्या करी यून गसुन सोतुख तहर दुख, मैं क्या करी यून गसुन सोतुख तहर दुख, बहार ऐसिन हरुद ऐसिन दपुस गस, चिलस छुस ब्यूठमुत पन्निस दिलस मंस, पनुन ऐसिन परुद ऐसिन दपुस गस। सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल जैन के। अख अंग्रेज मुफक्किर पन्नी अकिस किताब अंदर पनिन जज्बात बावान तो लेखान जे मान जिंदगी मंज हसा ओस न किहिन ती ठीक, वारिया मुश्किलात ऐसिम, अक तरफ ओसुम लुकन हुंद कर्ज तो बे तरफ असम के अडले काम, वारियस वक्तस ताम रूदुस ब अक नवि जिंदगी हुंद ख्वाब वुछान कि यम सारी मुश्किलात गछन दूर तो बुछाव बहार, यल यम सारे मुश्किलात में वार वार दूर करे अख नव जिंदगी गई शुरू, मगर मुख्तसर वक्त पते वुछ में कि ये कैसा वनुक ताम ओस अति छु बेती, गोया मे लग फकत अकई कत मुश्किलातन सत मुकाबल करुन गमन सत मुकाबल करुन बस यह छु जिंदगी हुन दयम ना। नाज़िर मोहतरम, यह हेको अस यह मिसाल दित समझित कि अख स्कूल बच्चे बाजे यम सात सुबह सुली वथित तमिस यल याद छु पेवान कि यस काम मे यस होमवर्क मे कल वस्तादन अस दितमस करन बापत सोन सा गई न मे मुकम्मल किहिंद, तमें पत यह याद पे कि जन वस्ताद बड़ स्ट्रिक्ट वन क्या कर बहुत पे गकूल अम सद खुद सारी खुद बोर्ड गम यह होम वर्क कर स्कूल गुन तम पे बोर्ड गम सद खिक्रि कत यह आसान कि मान ख हलाल रूजी कुन जाए बन तम पे सू तो हासिल गम सद ब्या गम आसान यह कि सारी अखराजात जिंदगी हिंद ग पूरे ग गोय अनडिंग प्रोसेस यह सो चीज यद वातान कें यह ब्रो ब्रो पकुन असुत मुकाबल कर असुत लड़न तो ब्रोह पकुन तो शायर वनान जिंदगी हुंद ख्वाब शांदस थो अद आयम नंदर नंदर होत यावुन ये मे लर सो अद आयम नंदर। खैर, वनकन जन वक्त यह नंदर हूं वक्त कें यह बेदार गुन वक्त बेदार सपद तो तुम वा पुन यह पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे एंड के उस तह तम वातान हर दो हर सुबह आठ बजे पे नवन बजन तम वा रूजो दिवान रूजो सोन साथ आज त बराबर नवन बजन तम। खैर, यह सो कत ये आय अम वर्ज तम आय कर कोशिश तह तम वातन वन जरूरी मालूम खसूस मौसम तो ट्रैफिक के हवाले जन प्रोग्राम किस आगाज मज तम वातन और सबसे पहले बात मौसम की। महकमा मौसमियात से मिली ये इतला कि आज मौसम जो है खुश्क रहेगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 23 डिग्री सेल्सियस और लेह में मनवी 7 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वही अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जानब से मौसूल हुई ये इतला के मुताबिक आज जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी, किसी भी गाड़ी को मुखालिफ समझ चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम यही दरख्वास्त के रखते सफर बांधने से पहले आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर कायम करें और आप जब सफर पे जा रहे हैं कहीं भी आपको ये बताते चले कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने, राइड कर रहे हैं बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट को साथ रखना न भूलें और साथ ही आप ये भी ना भूलें SOPs का खास ख्याल रखना है, यानी मास्क और सैनिटाइजर, ये दो अहम चीज़ें अपने साथ रखनी है। जी बहुत उम्दा और बहुत ही खूबसूरत जानकारी और ये ज़रूरी भी है कि इन बातों पे अमल किया जाए, सिर्फ से कहने की बातें नहीं है बल्कि इस पे अमल करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आगाज़ में जो था इंतज़ार आसान मौसकिंज डल कसा तुंद बापत क्या इंतखाब आज कोर्मुत आज से डल तुंद बापत चोरमुत फोक सॉन्ग बल्कि लुक बहुत अक तुंद बापत चोरमुत अब्दुल गफ्फार खान हमिद तिंदे सज आवाज मज वलू लुफानंदोज सपदो तो तम पत करो कत अजकिस मेहमान सो वो आज कम मेहमान तो मौजू क्या चोरमुत बहारा जान जाना नहीं बहारा जान जाना गम त्रा फिकिरन मज़मोरा बहारा
جان جانا وحدانیت نش وحدت درا بہارا جان جانا ول فجر صبح صادق آ ول فجر صبح صادق آ گٹ سج گاشا تاب نورا پیدا درا نورش نورا پیدا درا احداث احمد پر نینا احداث احمد پر نینا احداث احمد پر نینا احداث احمد پر نینا محمد لگی بازا درا بہارا جان جانا محمد لگی بازا بہارا جان جانا آگم تا فکرن مزمورا بہارا جان جانا تیلی وحدانی مشی وحدت درا بہارا جان جانا کیا ونس کیا دپس کیا کرسنا کیا ونس کیا دپس کیا کرسنا جلوگر چھوی بے نشانی جلوگر چھوی نشانے جلوگر چھی بے نشانے جلوگر چھی بے نشانے بیرنگ رنگ مز باچا بہارا جان جانا بیرنگ رنگ مز باچا بہارا جان جانا غم کا فکرن مز مورا بہارا جان جانا پیر سنج کچھے وارکان تھا پیر سنج کچھے وارکان تھا فکران موگا سیم زمانے فکران موگا سیم زمانے آب فکران موگا سیم زمانے فکران موگا سیم زمانے میری امیری حیاتی پرا بہارا جان جانا نابود سیمو کر پورا نابود سیمو کر پورا بود چی سوری آیا نہیں 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 نشی پانست پان پرنا بہارا جان جانا نشی پانست پان پرنا بہارا جان جانا ولا غم تا فکرن من مورا بہارا جان جانا وحدانیت نش وحدت درا بہارا جان جانا مزرا و اخرت سوت استا 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 زراعت کرتا سامان زراعت کرتا سامان آج زراعت کرتا سامان زراعت کرتا سامان یہ وقت من کی کرکرا بہارا جان جانا یہ وقت من کی کرکرا بہارا جان جانا یہ وقت من کی کرکرا بہارا جان جانا تا غم کا فکرن مزمورا بہارا جان جانا وحدانیت نش وحدت درا بہارا جان جانا رحمان دارس تمنا درا رحمان دارس تمنا درا حمدار رب العالمین
आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे एंड के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन के काश चैनल से। अब आपको इंतजार होगा कि आज हमारे मेहमान कौन होंगे और हमने मौजू क्या चुना है आज के प्रोग्राम के लिए। हमारे नाज़रीन जानते हैं कि हमारी जो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर यूटी जो है, एक ज़रे इलाका है और यहाँ मईशत का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ज़िरात पर ही मुनहसर है और यही वजह है कि यहाँ पे ज़िरात को फ़रोग देने के लिए कई तरह के महकमे भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है कई तरह के नए प्रोग्राम्स भी अब शुरू किए गए हैं। कुछ बैरून मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कायम करने जा रहे हैं, जिससे हमारी जो यूटी है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ज़िरात को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और कई सारे नौजवानों को रोज़गार भी फराहम होगा, ये जो बाहर के जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे। और इसके साथ साथ जब हम दूसरों महकमों की बात करते हैं कि जिस तरह के जो स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके साथ साथ एक और नया नाम है, हमारे लिए नया नाम है, हम सीयूटी के लिए नया नाम है, जिसे हम कहते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या काम करता है, क्या चीज़ें देखता है और यही सब चीज़ें जानने की कोशिश हम आज के शो में करेंगे और इस ताल्लुक से बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से जो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप हैं जनाब संसार अहमद, आप डेप्टी डायरेक्टर हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फार्मर्स वेलफेयर। और इस ताल्लुक से इनसे बात करेंगे। आपका पहले इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जे एंड के लाइव शो में। संसार साहब, इससे कबल के हम जो किसानों के बहबूदी के लिए जो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उस ताल्लुक से बात करें, क्योंकि आप कश्मीर के तो नहीं हैं जितना तो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम उस ताल्लुक से बात करें, एक और बात जो मेरे जहन में आई, आपका नाम जब अभी हम अनाउंस कर रहे थे संसार अहमद, जी जी, इसमें भी भाईचारा? हाँ, इसमें भी भाईचारा, दरअसल आधा हिंदी आधा उर्दू। जी 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 जी, इसके बारे में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुराना वक्फा है। जी जी, मैं बेसिकली एक बहुत छोटे गांव से जो उत्तराखंड की वादियों में है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, करीबन कोई ढाई या तीन साल के, तो उस गांव में काफ़ी फ्रूट्स वगैरह के बागान उस वक्त थे, अब तो उतने नहीं रहे, धीरे धीरे कटिंग हो रहा है। तो हम लोग उस एक छोटा स्कूल था जो फिफ्थ क्लास तक का था, उसमें अक्सर हम लोग छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होके गांव के तो फल के लिए पहुंच जाते थे और बरसात बहुत होती थी तो ऊपर से जब कोई भी फल गिरता था तो हम लोग उठा के उसको ले आते थे। जी जी, तो एक दिन ऐसा ही वक्फा मेरे साथ सामने आया कि मैं गया उसी स्कूल में, मेरे बड़े भाई भी पढ़ते थे, तो मैं जैसे ही फल उठाने गया तो जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बुला लिया। अच्छा। तो मुझसे पूछा कि भाई बताइए आपका नाम लिख लेते हैं स्कूल में, बहुत कम बच्चे उस वक्त जो है स्कूल जाते थे गांव से। अच्छा। ये 94 के करीब का, वो 1974 के करीब का वक्फा है। अच्छा। मैं सब ढाई या तीन साल का रहा हूँ। तो मुझसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैंने बहुत धीरे से उनको बोला अंसार, लेकिन वो सही नहीं समझ पाए और उन्होंने जो था वो नाम संसार अहमद लिख दिया। अच्छा। वो नाम उन्होंने संसार अहमद लिख दिया और लिखने के बाद वो चल गया, लेकिन कुछ वक्फे के बाद जो है तो हम लोगों ने वो नाम
जो है तो फिर अंसार अहमद करा दिया, लेकिन बस शायद इस तरह का तकदीर था कि जब हाई स्कूल का इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद बोर्ड, शायद पहले जम्मू कश्मीर तक भी पुराने टाइम में जो स्टूडेंट्स है टेंथ क्लास तक के उसमें कवर होते थे, तो इस तरह के हालात बने कि वो फिर वो बोर्ड से नाम वो फिर संसार अहमद होके आ गया, फिर संसार हो गया, अंसार नहीं लिखा उन्होंने, फिर संसार कर दिया। जी जी। तो फिर हम लोगों ने काफी, वालदेन ने हमारे काफी कोशिश की, वालिद साहब पढ़े लिखे थे माशाल्लाह उस दौर में भी, हालांकि हालात अलग तरह के थे, तो काफी कोशिश किया, वो मसला हल नहीं हो पाया, तो फिर हमने सोचा संसार अहमद ही सही। और फिर इसका माशाल्लाह काफी फायदा रहा है, लोगों ने इसको काफी मतलब अप्रिसिएट किया है कि इट्स ए गुड नेम ऑफ गंगा जमुना तहजीब, और लोग इसको काफी यहाँ भी जी जी नया नाम है। तो एक दिन मैं बल्कि उस पे भी गूगल पे भी सर्च किया, मैं बोला क्या मेरे नाम का कोई बंदा निकल के आता, तो एनीवे एक दो निकल के तो आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही नाम ये ऐसा इंडिया में है। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि उत्तराखंड से आपका ताल्लुक है, बेसिकली यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। हाँ, क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका है। जी 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 जी, बेसिकली उत्तराखंड भी बहुत खूबसूरत है, जो आप लोगों ने अगर आप लोग भी कभी गए हों तो उत्तराखंड में जो मसूरी है या जो भी आपका आपका ऊपर टिहरी है या जो भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे अलग अलग जो हमारे रिलीजन है इंडिया में, तो काफ़ी खूबसूरत है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ, लेकिन कश्मीर माशाल्लाह ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल नज़र आया एक महीने के दौरान देखने, क्योंकि मैं हिमाचल में भी 8 साल मैंने सर्विस किया है अपना 2011 से लेकर 2018 तक, तो वहाँ भी सारी ही जो माशाल्लाह जो अच्छे जो प्लेसेस हैं, चाहे वो आपका जो शिमला था या आपका मनाली या रोहतांग था या फिर किन्नौर था या फिर लाहौल स्पीति था, चंबा था, एवरीथिंग एवरीवेयर आई हैव विजिटेड। मैं ऑफिशियली कामों से सब जगह जाता रहा, लेकिन अभी मैंने जब यहाँ आया तो मैं भी एक महीने पहले जब मैं आया था उस वक्त बर्फबारी हो रही थी, तो मैं 5 जनवरी को यहाँ ज्वाइन किया था, हालांकि बीच में मुझे 10 दिन के लिए जाना पड़ा घर किसी काम से। तो मेरी ये बहुत दिली इच्छा थी, मैं देखना चाहता था कि जम्मू कश्मीर में लोग गांव में कैसे रहते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं सबसे पहले जो हमने डिस्ट्रिक्ट चुना था तो वो पुलवामा था। अच्छा। तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, लोगों का जो गांव का लाइफ है वो बड़ा मुझे, अच्छे मकान और अच्छा रहना, साफ सफाई और बड़ी खूबसूरती, और माशाल्लाह जो लोगों की मेहमान नवाजी है वो तो मुझे जबरदस्ती खिला के जो है, तो मैं बल्कि मन ही करता रहा उनका, बड़ा ही मतलब, चाहे वो आपका कहवा हो या दूसरी खाने की चीजें हो, अलग अलग जो जो मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, और मतलब बड़ा मुझे रेस्पेक्ट लगा लोगों का। आपको तो यहाँ अभी जिस तरह से आप फरमा रहे थे, एक ही महीना हुआ है, मुख्तसर सा वक्त, और आपका बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से, मजीद जानेंगे इस हवाले से, इस ताल्लुक से और भी आपसे जानेंगे। लेकिन आपने चूंकि खुद फरमाया 10वीं जमात तक आपने तालीम हासिल की, फिर आगे जाके हायर स्टडीज आपने कहाँ मुकम्मल की और किस सब्जेक्ट में? हायर स्टडीज के लिए हम लोग जो है तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने अपना 12th किया जी। और मैं एक बहुत मतलब इस तरह के परिवार से बिलोंग करता था कि शायद जहाँ मुझसे पहले मेरे वालदेन ही 5th क्लास तक उन्होंने माशाल्लाह उस वक्त तालीम पाई थी, और उसके लिए मुझे ही, क्योंकि बाकी जो भाई बहन थे वो सब जो है 5th क्लास तक ही, क्योंकि उस वक्त शायद इतना फ्रीडम नहीं था। अच्छा। बहनों के लिए मैं जो हूँ तो बीच में 3rd नंबर पे आता था जी, जी। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि मुझे ही जो है तो वालिद साहब ने जो है बोर्डिंग स्कूल में डाला रुड़की कि भाई ठीक है, जो बड़े भाई हैं वो घर का कारोबार देखेंगे, थोड़ी जमीन है या थोड़ा कारोबार है। तो मैंने 12th वगैरह जो 12th था मेरा और जो ग्रेजुएशन था वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से ही किया। अच्छा। और माशाल्लाह मैं उसमें आपको एक अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त मेरा भी एक ख्वाब था, मैं सोचता था गांव से, उस वक्त जो अच्छे खासे जो लोग थे माशाल्लाह, जो पैसे वाले लोग थे जिनकी बहुत अच्छी खेतीबाड़ी होती थी, वो भी तालीम की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन मेरे वालिदैन ने ये चीज़ चुनी कि नहीं मुझे बच्चों को तालीम दिलानी है। और मैंने जो मेरा जो ग्रेजुएशन था जो वो एग्रीकल्चर से हुआ, और उस वक्त दौरान में जो
मेरठ एक यूनिवर्सिटी, अब तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह कर दिया गया है। अच्छा। तो उस यूनिवर्सिटी की हर फैकल्टी में मैं टॉपर था और मुझे माशाल्लाह उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने गोल्ड मेडल से भी नवाजा और गवर्नमेंट ने भी नवाजा अलग से, और जो यूनिवर्सिटी थी उसने भी अलग से गोल्ड मेडल दे के माशाल्लाह नवाजा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक मेरे साथ ये रहा है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि सफर को हम आगे ले जाएं, लेकिन एक पीछे जो बात रह गई, आपने खुद भी कहा था कि आपको बोर्डिंग स्कूल में डाला गया था, कई इसकी एक वजह ये भी तो नहीं थी कि आप ना, कुछ बच्चे होते हैं मासूम होते हैं, कुछ शरारती होते हैं और वो बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को अच्छा लगता कि किसी के साथ शेयर करें, तो ये प्लेटफॉर्म है अभी आपके पास, कुछ ऐसी यादें हैं जो आपके शेयर करना चाहेंगे? ऐसी तो यादें नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो मेन वजह थी वो ये थी कि गांव में हम लोगों के पास रहने के लिए मैं इस चीज़ को कहते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करता हूँ, इसलिए नहीं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर जो वो किसी भी जो है तबके से रहने वाला बच्चा हो, जो गाँव में रहते हैं, जो मतलब दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, या जो गाँव या किसी भी मतलब शहर के भी जो गरीब एरिया या जो भी बच्चे हैं, मेरा किसी से की उससे वो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम लोग वहाँ पे ठीक से मतलब घर भी हम लोग नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही किराए से किसी के जो जमींदार थे गांव के उनके उस पे रहते थे, उन्हीं की थोड़ी खेती बाड़ी करते थे। तो उसके पीछे वजूहत ये थी कि चलो ये बोर्डिंग स्कूल में रहेगा तो वहाँ पे कम से कम ये गांव के लोग ये कहते थे कि ये बच्चा पढ़ेगा, तो वालिद साहब ने सोचा कि चलो ठीक है मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक दो बच्चे और भी वहाँ पे रहते थे गाँव के, तो हम लोग हालांकि एज बहुत कम थी, 6 और 3 10 ईयर्स के करीब थी, तो हम 3-4 बच्चे मिलके अपना आपस में ही कुकिंग वगैरह वहाँ करते थे। बोर्डिंग स्कूल भी इतना अच्छा नहीं था, यही था कि वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी थी। और आपने वाकई उनका नाम फिर रोशन किया अपनी मेहनत से और गोल्ड मेडल तक हासिल किया। जी, 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 तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अच्छा, ये जो आपका ये सफर रहा, इस तालीमी सफर जो आपको रहा, ये भी काफी दिलचस्प रहा है, मुख्तलिफ मराहिल, और उसके बाद जो आपकी जो पोस्टिंग रही, आपने खुद ही कहा अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि आप हिमाचल में भी रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रही, कहाँ कहाँ आप अपने फराइज अंजाम दिए? इससे बीच में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, चीज पीछे छूट गई है, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ। तो मैं उसके बाद मेरी जो एमएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर और एमफिल हॉर्टिकल्चर की जो तालीम हुई है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो अच्छा वहाँ पे हाँ उस वक्त एमफिल ही होता था हॉर्टिकल्चर में, वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन था वो एमफिल था जो है तो यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैंने वहाँ से किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ भी अपनी यूनिवर्सिटी में एमएससी और एमफिल में टॉपर रहा माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे जो है तो बीएससी एमएससी और एमफिल का यूनिवर्सिटी का टॉपर होने के नाते जो यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें वीसी और गवर्नर उसके चेयरमैन हुआ करते थे उस वक्त के, उसमें मैं 3 साल तक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा। तो फिर मैं आपके उस सवाल का भी जवाब देना चाहूँगा, ये आपने बताया कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में मैंने एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो है तो रिक्रूटमेंट पाया रिटिन और उसके आधार पे इंटरव्यू के आधार पे 1994 में। उसके बाद कई स्टेट्स में अलग अलग काम किया है मैंने, सबसे पहला मेरा पोस्टिंग कलकत्ता वेस्ट बंगाल थी, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश भी रहा हूँ और राजस्थान भी रहा हूँ और महाराष्ट्र में भी काम किया है, आंध्र प्रदेश में भी रहा हूँ और आपका फिर हिमाचल लंबा वक्फा मेरा निकला है और फिर आपका अभी फिर दोबारा मुझे पोस्टिंग राजस्थान मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं जो है तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के लिए मुझे जो है तो मेरे विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस आधार से पोस्टेड किया है कि जम्मू कश्मीर में भी जो काम मैंने दूसरे स्टेट्स में किया है तो शायद उन लोगों को यही मुझसे आशा उम्मीद रही है कि मैं उस तरह का काम यहाँ भी करके दिखाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी मैं फील्ड में और सभी जो यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के इदारे हैं मेरी उनके साथ यही कोशिश है, मैं लगा हुआ हूँ, सभी जो भी सीनियर अथॉरिटीज है टॉप लेवल पे चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं या
हमारे दूसरे आईएएस या केएस के अधिकारी हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के, तो सभी से मिलके और या फिर वो कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, जो भी मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे चुना था और उस सब में मैंने जो है तो सभी में अवेयरनेस प्रोग्राम किया और माशाल्लाह बहुत यंग लोग और बहुत लोग आए हैं और बड़ा अच्छा माशाल्लाह रेस्पॉन्स मिला। चलिए ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और आपके सफ़र के बारे में जान रहे थे और अब हम तफसील से बात करेंगे बोर्ड के बारे में, ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। लेकिन उससे पहले हमें एक वक्फा लेना पड़ेगा। जी सर, एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे को उस पर हम तफसील से जानेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में और अखबार की सुर्खियाँ भी शाम में प्रोग्राम करेंगे। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जेएनके, जो आप हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक देखते रहते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, संसार अहमद साहब, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन जो हम पे जिम्मेदारियाँ आयद होती है वक्तन फवक्तन आप तक हम जो मालूम पहुँचाते रहते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से, तो आगाज़ में ही, लेकिन कोविड डिटेल्स, कोविड फिगर्स जो हम पहुँचाते हैं आप तक अभी प्रोग्राम में अखबार से पहले, वो आप तक पहुँचाते चले। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड 19 में के हवाले से क्या सूरत हाल रही, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस 58 सामने आए, जिनमें से 11 का ताल्लुक जम्मू सूबे से था और 47 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से रहा। वहीं इस वबा से रिकवरी रेट भी हम देख रहे हैं काफ़ी इत्मीनान बख्श है, अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन लोग जो है अच्छी तादाद में रिकवर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 46 लोग जो है रिकवर होकर अभी सेहतियाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुशाइन बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोई भी मौत वाक़ नहीं हुई। अब अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँगे और आगाज़ मसूद साहब से। जी ये कोविड के बारे में आप जानकारी दे रही, तो इकरा मुझे ये बात भी याद आई कि अभी जो 11 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे एक नई एक हैयत में नई किस्म जो है इस वायरस की जो सामने आ रही है, जी वो सामने आ रही है, तो उस पर भी अभी जो है वो तहकीकात चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके ध्यान में रखा जा रहा है। तो ज़रूरी है कि अगर, क्योंकि अभी तक तो है ना, इस वायरस के जो दो हिस्से हैं, एक तो अंदरून से इस पे जो हमला किया जाता है वैक्सीन से ताकि उसको कमज़ोर किया जाए, और कुछ एक वैक्सीन जो बैरून से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं इसमें। फ़िलहाल तो ये 11 ममालिक में जो ये इस तरह के केसेज जो हैं सामने आए हैं, जिसमें बरतानिया जो है वो सर फहरिस्त है। अब अखबार जो मौजूदा वैक्सीन है कितनी कारामद साबित होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अखबार की सुर्खियाँ लेते हैं। मेरे पास ये पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसकी चंद सुर्खियाँ आप तक जाना चाहेंगे। पुलिस सेज 5 हाउसेज लैंड्स 61 व्हीकल्स 6 शॉप्स अंडर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इसी अखबार से एक और सुर्खी हम लेना चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर बिगिंस प्रोसेस टू कॉन्स्टिट्यूट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जी एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इस अखबार से हम आप तक चंद सुर्खियाँ पहुँचाते चले। पहली ये, फॉरेन इन्वॉइस ऑन 2-डे विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर, द इन्वॉइस विल मीट डिफरेंट डेलीगेशंस इन कश्मीर ऑन वेंसडे व्हाइल ऑन थर्सडे दे विल इंटरेक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और एक सुर्खी सी अखबार से, ₹500 करोड़ बींग स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ बार्बर्ड वायर्स एंड वुडन पोल्स। और एक सुर्खी इसी अखबार से, वी द पीपल अनवान के तहत जो शाया हुई है, स्पाइस कल्टिवेशन कैन चेंज प्रोडक्टिविटी ग्राफ एंड बूस्ट इकॉनमी इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास है और दो सुर्खियाँ इस अखबार से भी है कि 1 मार्च से स्कूल ट्रांसपोर्ट बदस्तूर चलेगा, बच्चों की सहूलियात बंद नहीं की जा सकती, बस फीस मामला हल किया जाएगा सूबाई कमिश्नर। इससे पहले ये खबर ये आई थी कि जो स्कूल एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा था कि वो अब स्कूल बसेस नहीं चलाएंगे क्योंकि जो फीस का मामला है,
तो उस वो हल नहीं किया था अभी सरकार ने, उस वजह से उन्होंने वो चाहा था, कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब सुबह कमिश्नर का ये बयान आया है कि वो मामला भी हल किया जाएगा। अच्छी और खुशाइन खबर इस हवाले से अगर बिल्कुल बिल्कुल। एक और सुर्खी इसी अखबार की कि कश्मीर दूध में खुद कफील, 6 लाख मैट्रिक टन रोजाना पैदावार, 1 लाख मैट्रिक टन बैरून रियासतों को भी फरोख्त किया जाता है। जी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी हम आप तक चंद सुर्खियां पहुंचाएंगे। पहली ये, अमन में रखना डालने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त, कई अनासर मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश में मसरूफ है मरकजी वजीर ममलिकत। और एक सुर्खी इसी अखबार से, महकमा बिजली के लाइन मैनों और आर्जी मुलाजमीन को इंतजामिया इंश्योरेंस स्कोर देने का मनसूबा रखती है रोहित कंसल। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है नाज़रीन किराम, और इसकी भी चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहली सुर्खी है कि डॉक्टर सामून एम्फेसिस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल जॉब स्किल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूथ। एक और सुर्खी कि डॉक्टर शाहिद चौधरी इनाग्रेट्स फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एट TRC। और आखिरी सुर्खी इस अखबार की कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर इनाग्रेटेड सेमिनार ऑन मशरूम कल्टिवेशन। जी ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी है और इस अखबार से हम आप तक दो सुर्खियां पहुंचाएंगे। पहली ये, जम्मू एंड कश्मीर कन्वर्जन टू यूनियन टेरिटरी, MPs पैनल सीक्स डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम सेंटर। और एक सुर्खी सी अखबार से, SC होप्स गवर्नमेंट एडहर्स टू लॉज फॉर डिसेबल्ड पर्संस। जी मेरे पास ये आखिरी अखबार है गालिबन, और इस अखबार की जो सुर्खी है, चंद सुर्खियां इसकी मैंने चुनी है, आपके पास बाद में एक और अखबार है जी, एक आखिरी बचा है। जी 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 मेरे पास जो आखिरी अखबार है इसकी चंद सुर्खियां कि जैसे कि हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गोश्त की कीमतों को लेके जिस तरह से जो हालात यहाँ पे बने हुए थे, तो गोश्त अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, अब वो मसला हल किया गया है। गोश्त की कीमतों पर तातुल कमेटी ने हुकाम को अपनी रिपोर्ट पेश की है। दर्जा अव्वल बगैर उजड़ी गोश्त 518 रुपये फी किलो का ब्रेकअप पेश किया है। हालांकि जब इसका पूरा सर्वे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जब कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे जो मीट है राजस्थान से आता है, इसी तरह अमृतसर से आता है, दिल्ली से आता है, वहाँ की रेट्स को जब देखा गया तो वहाँ देखा गया कि जो ये रेट जो है ये मुनासिब रेट है, कि इससे कम रेट में कहीं पर इनको नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है कि इसी को अब यहाँ पर फिक्स किया गया है। और चंद और सुर्खियाँ ऐसी अखबार से, जम्मू कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही हैं, नाज़िम सियाहत ने मगरबी बंगाल के टूर ऑपरेटर से वाबस्ता अफराद के साथ वेबिनार के जरिए तबादले ख्याल किया। और आखिरी सुर्खी इस अखबार की कि श्रीनगर के शीतलनाथ मंदिर में 31 साल बाद बसंत पंचमी की पूजा की गई। ये शीतलनाथ मंदिर जो है ये हवा कदल में वाक़ है, और 31 साल बाद वहाँ पे बसंत पंचमी की पूजा की गई। बसंत पंचमी जो है वो पूजा होती है जिसमें जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू भाई जो हैं, जो बाहर की आमद के सिलसिले में इसे मनाते हैं। जी मेरे पास ये आखिरी रोजनामा बचा है मकामी उर्दू रोजनामा, और इस अखबार से हम आप तक दो सुर्खियां पहुंचाएंगे। पहली ये, बानिहाल बारामुल्ला रेल सर्विस 25 फरवरी को बहाल होगी। 137 किलोमीटर तवील रेल ट्रैक पर सर्विस की बहाली के लिए तमाम तर इकदाम उठाए जा चुके हैं। और एक सुर्खी इसी अखबार से, उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अला जुमातुल मुबारक को मनाया जा रहा है आज। जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है आज के प्रोग्राम में, संसार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इनसे सिलसिले कलाम हम जारी रखेंगे। अच्छा जब हम ब्रेक पे गए थे आपने नून चाय टेस्ट की, आप हाँ, मैंने चाय टेस्ट कैसी लगी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने एक अभी मैं LDM साहब हैं JK बैंक लिमिटेड के, उनके यहाँ गया था मीटिंग में। अच्छा, तो वहाँ पहली बार मैंने टेस्ट किया था, तो मुझे बहुत पुरानी याद आ गई जब मेरी माँ भी मुझे सुबह स्कूल जाने से पहले इस तरह की चाय हम लोग पी के जाते थे। अच्छा, इसी तरह दूध उसमें भी डालते थे? दूध उसमें भी डालते थे और अच्छी होती थी, लेकिन हाँ उसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता था। अच्छा, और वो गुड़ बहुत ही ऑर्गेनिक होता था माशाल्लाह। लेकिन इसमें हम नमक का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल उसमें भी होता था, साल्ट का इस्तेमाल उसमें, साथ में गुड़ का इस्तेमाल, बिल्कुल सेम टेस्ट होता था। थोड़ा सा वेरिएशन टेस्ट में था बिकॉज ऑफ जो जगरी यूज की जाती थी, जो गुड़ यूज किया जाता था स्वीटिंग की। अच्छा, अब आते हैं आपके काम की जानिब। जिस तरह से आप ब्रेक के पहले कह रहे थे, फरमा रहे थे कि आपको अपनी काम की वजह से अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिला, बहसत एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मैनेजर आई गेस, नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर। ओके, तो अभी आपको एक मुख्तसर सा वक्त हुआ है यहाँ जम्मू कश्मीर में, एक महीने का वक्त, आपने यहाँ की सूरत हाल देखी होगी, नौजवानों से इंटरेक्ट किया होगा, कई सारे कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स हुए होंगे,
आपकी ज़ेरे निगरानी में। हमें ये बताएं, चूँकि ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है हमारे दोस्तों के लिए जी जी, हमारे लिए भी जी जी, नया बोर्ड है, नहीं पता है, ज़्यादा मालूमात इस हवाले से हमें नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे इन तमाम दोस्तों को आप इस हवाले से बाखबर करें कि ये बोर्ड दरअसल है क्या और काम क्या करता है। ओके, थैंक यू मैम। मैं दरअसल सभी जो नाजरीन है इस प्रोग्राम के उनको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यहाँ आज नया नहीं है, काफ़ी पुराना है और 88 से यहाँ पे काम कर रहा है। जो इसका यहाँ पे जो ऑफिस है इस इदारे का, वो राजबाग कॉम्प्लेक्स डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर में इसका जो ऑफिस है सेकंड फ्लोर पे है और काफ़ी पुराने समय से काम करता रहा है। और अच्छा। ऐसा नहीं है, शायद कई लोग अनअवेयर रहे होंगे, लेकिन अगर आप देखें हमारा काफ़ी यहाँ काम रहा है, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ एप्पल हो, वो हमने ला के दिया यहाँ यूनिवर्सिटी को, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को, उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो है, तो चाहे वो इटली यूरोप से, इटली से, किसी भी कंट्री से आया हो, वो फार्मर्स को दिया गया है। या जो एक इरवनी और सटनी वैरायटीज थी, जो आपकी एप्रिकोट की वैरायटीज थी, उसको भी एनएचबी ही लाया सबसे पहले इंडिया में, और वो आपके कश्मीर के साथ साथ दूसरे हिली स्टेट्स में भी उसका जो है तो इस रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और आज भी वो वैरायटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसका जो फ्रूट्स की क्वालिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि दूसरी एप्रिकोट की वैरायटीज की इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये तो एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन जो हमारे यहाँ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर के हैं। जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं, जो देश की जो भी इकोनॉमी या वर्ल्ड की जो भी इकोनॉमी है आपके सामने है, और उसमें उससे कश्मीर भी जो है तो पीछे, उस मतलब कश्मीर भी उसका पार्ट है। वो भी शामिल है, जम्मू है, कश्मीर है, या लेह लद्दाख है, जहाँ की मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों से जो भी डाटा हमारे पास आए हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी के हैं, तो उसमें दिखाई देता है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, रियल इस्टेट है, इंडस्ट्रियल है, कोई भी शोभा है, उसमें जो हमारी जीडीपी है वो नीचे है। अच्छा। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो वो 3.4% के आसपास बनी हुई है नेशनल लेवल पे। और शायद मैं जम्मू के बारे में भी शायद उतना मैं ये नहीं देख पाया कितनी है जम्मू की, लेकिन इतना मैं जरूर पढ़ पाया हूँ कि जो जम्मू में, जम्मू और कश्मीर में, सॉरी मैं जम्मू और कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो यहाँ पे जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो हॉर्टिकल्चर है। बिल्कुल सही है। और हॉर्टिकल्चर में भी जो यहाँ प्राइम फ्रूट्स है वो एप्पल है, एप्पल है, पीच है, चेरीज है, प्लम है आपका, और आपका वालनट है, इम्पोर्टेंट है, और आपका फिर एलमंड भी है, और दूसरे जो एरिया पड़ता है उसमें मैंगो भी है, जो टेम्परेट जोन जम्मू के अंदर है, आपका मैंगो है, सिट्रस है, लीची भी है, कुछ में सिट्रस फ्रूट्स भी हैं। तो हमारे पास मतलब जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स ऐसी नहीं है कि भाई उसमें, उस स्कीम में मैंने जगह जगह 5 डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप किया है, और यूथ को ही मेरा टारगेट वही लोग रहे हैं जो हमारे यूथ हैं, जो आज रोजगार की तलाश में इधर उधर है। तो स्कीम्स हमारी इंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन है कि आप जो है तो एक प्रोजेक्ट लगाने के बावजूद में, और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो भी आप बैंक से क्रेडिट, क्योंकि स्कीम क्रेडिट लिंक्ड है, बैक एंडेड सब्सिडी है। क्रेडिट लिंक्ड का मतलब ये है कि आप जितनी सब्सिडी है सभी प्रोजेक्टों में हमारी, चाहे वो कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर के हैं, चाहे वो एरिया एक्सपेंशन के हैं, चाहे वो आपके जो है तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के फ्रूट्स एंड वो सॉरी फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स के, आप लोगों ने देखी होगी शायद, आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट्स है जिसको सिद्ध कहते हैं यहाँ पे, उसमें देखा होगा, या आपने यूनिवर्सिटीज में भी जो सुकास्ट यहाँ का श्रीनगर कैंपस है, आपने पोली हाउसेज और सैडनेट हाउसेज, मैंने नहीं देखा वहां में गया था, तो पोली हाउसेज बने हुए हैं। तो उस तरह के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशंस हैं वो अलग तरह की हैं, तो आप उस तरह के स्ट्रक्चर्स में भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगा के अच्छी सब्सिडी ले सकते हैं, और अपनी इंटरप्रेन्योरशिप आप जो है तो डेवलप इस सेक्टर में हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ये तो रही ये बात, आपने खुद ही कहा कि इससे पहले भी आप मुख्तलिफ स्टेट्स में आपको काम करने का मौका मिला है, और इस वक्त आप लद्दाख यूटी और ये जो जम्मू कश्मीर यूटी को देख रहे हैं, इतना सारा मुशाहिदा, इतना सारा तजर्बा आपके पास है,
तो यहाँ के मुकाबले में, जब वहाँ के मुकाबले में आप जब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है किस चीज़ में काम करने की जो अच्छा खासा जो रिजल्ट समय मिलेगा? जी 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 जी, क्योंकि सारा क्लाइमेट कंडीशन आपको पता है हर जगह। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें पीछे का भी लूंगा अपना। जी जी, जो हमारी मेजर स्कीम है वो एक तो मैंने बताना चाहता था मैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की। दूसरी जो स्कीम है हमारी वो है कोल्ड स्टोरेज की। ये दोनों ही स्कीम बैंक क्रेडिट लिंक्ड है, यानी कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको बैंक से एग्रीकल्चर टर्म लोन लेना होगा। इनमें सब्सिडी जो है वो बैक एंडेड है। बैक एंडेड का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आपका जो टर्म लोन अकाउंट जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट जाके सब्सिडी उस खाते में जमा हो जाती है। ठीक। और उस दिन जिस दिन सब्सिडी चली जाती है, उतनी लोन अमाउंट पे जो बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है हमारे प्रोजेक्टों में, वो नेशनलाइज्ड बैंक है, आपका प्राइवेट बैंक है, कोऑपरेटिव है, रूरल बैंक्स हैं, कोई भी बैंक, इवन जो फाइनेंशियल डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या गवर्नमेंट बैंक नाबार्ड है, कोई भी बैंक से आप ले सकते हैं। तो जो वो सब्सिडी बाद में जो है तो टर्म लोन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है। जी जी जी। दूसरा जो आपका, मैं ये पिछला इसलिए बताया क्योंकि जो नाजरीन है वो देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह उनको पूरी। दरअसल हमने ये सोचा था कि हम स्कीम्स के बारे में अलग से बात करें। चलिए, अब ये लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसलिए मैं बोला नाजरीन को ये समझे कि जो है तो पूरी इन्फॉर्मेशन शायद मिली है इस प्रोग्राम के थ्रू, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने रात भी कई लोगों से रابطہ कायम किया तो उन्होंने बताया इट्स ए वंडरफुल एंड अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ जो है डीडी काशिर, और जो है तो मुझे ऐसा। तो मैं दूसरी चीज जो आपने पूछा है, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने के लिए हर स्टेट्स की अपनी क्लाइमेटिक टोपोग्राफिकल और वेदर कंडीशंस होती हैं। उसी के हिसाब से मैं जो अभी देखा है, 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर किए हैं, लेकिन बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट का भी मुझे जो फीडबैक मिला है, हम यहाँ जो कर सकते हैं, हमें काम करना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आने वाले टाइम में। जी जी। हमें देखिए जो काम करने के लिए अगर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है, आप देखो हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, हम बड़ी कंपनियों का सामान या जिनका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या जैसे अभी आपने बिग बास्केट से आप लोग खरीद रहे हैं, जी, या रिलायंस के स्टोर से आप खरीद रहे हैं, या सुपरमार्केट से खरीद रहे हैं, तो सिमिलर पैटर्न पे अगर जम्मू और कश्मीर या जो भी लेह लद्दाख के जो फार्मर्स हैं, खासतौर से जो यंग लोग हैं जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो उनको या तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम करें, या वो अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, या आप अपने वो कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप करें। अभी मैं पुलवामा में गया था तो वहां पे एक ऑलरेडी कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रहा है। जी जी, तो दे आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट अंडर NHB स्कीम ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो जहां तक संबंध आपका इस चीज से है कि भाई किस तरह के प्रोजेक्ट करें यहाँ के लिए, अगर लोग आपके जो मैंने आपको बताए हैं जैसे वो एक ग्रुप में काम करेंगे, तो यहाँ पे एरिया एक्सपेंशन के भी प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। एरिया एक्सपेंशन की आपने बात की, जो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बात करेंगे इसे तफसील से। पहले एक और मुख्तसर सा वक्फा लेना चाहेंगे, ये भी जरूरी है साथ साथ, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद हमारे मौजूद मेहमान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। خوشاوته به تون ایک فی تون دس من پسند پروگرام گود مارننگ جی کے سچ کے شمار اس مز بچستون میزبان مسعود منتظر تے بے اکرا اس کے شو اس مز میزبان فرائز انجام دیوان تے آج یم سے پچ سال ان میں چھ ایم چھ سنسار ہم ایم چھ ڈیپٹی ڈائریکٹر نیشنل ہارٹی کلچر بورڈ منسٹری اف ایگریکلچر اینڈ فارمرز ویلفیئر گورنمنٹ اف انڈیا یم سے اس کات کر رہا کہ یم زن مختلف سکیم یم زن نیشنل ہارٹی کلچر بورڈن تھام سے چھ زمیندار ہند باپت قابل باہ ہند باپت تر متعلق زان حاصل کریں بیس نئے انٹرپرینور تہند باپت کیا ان سکیمن من سوچ زانچ کوشش کریں سنسار صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ نے جو بھی ذکر کیا تھا
हम अभी जो जिस तरह से बता रहे थे कि मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में आपने बात की, अब हम एक चीज़ की तरफ आएंगे। अगर हम जिला पहले श्रीनगर की अगर हम बात करें, जिला श्रीनगर जो है, जिला श्रीनगर में आप देख लें कि ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो आपको लगता है कि जिला श्रीनगर के लिए मुनासिब हैं, और इसके साथ साथ जो एरियाज के जो आप बात करते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे सेटअप किए जा सकते हैं? जहाँ तक मेरा, मैंने अच्छी तरह से श्रीनगर को मैं देख चुका हूँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनसे भी बात कर चुका हूँ और सारा माशाल्लाह देखा है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो फ्लोरिकल्चर की है वो बहुत अच्छी की जा सकती है, ठीक है जी, उसका बहुत अच्छा स्कोप है। आप कटरोजेज उगा सकते हैं, कार्नेशन उगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है तो फ्लावर है, जरबेरा उगा सकते हैं, आप लिलियम भी ले सकते हैं। ये चार फ्रूट्स हैं, वो सॉरी फ्लावर्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यूथ्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अगर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट चाहते हैं जो 6 महीने में आपको आमदनी भी दे और इतनी आमदनी दे कि अगर आप 4,000 स्क्वायर मीटर में लगाए तो आपको 20 से more than 20 lakhs rupees का टर्नओवर आपको एक साल में दे देगा। तो जो एक्जोटिक हमारी वेजिटेबल्स हैं उसमें हमारी कलर्ड कैप्सिकम है, आप लोगों ने मार्केट में बिकता हुआ देखा होगा, बहुत अच्छा रेट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप मैं आपको बताऊंगा, हाइब्रिड कुकुम्बर है, जो हमारे बहुत प्रोजेक्ट में भी, राजस्थान जैसे डेजर्ट स्टेट से आया हूँ, हंड्रेड्स में हमने प्रोजेक्ट लगा दिए हैं जहाँ बिल्कुल भी, यहाँ तो माशाल्लाह कोई इस तरह की पानी की या कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी क्रॉप में आपको कहूंगा टोमेटो, एक चेरी टोमेटो है जो जिसकी यहाँ, क्योंकि ये टूरिस्ट आपका जानते हैं कि टूरिस्ट बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूंगा कि इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस अगर कोई है तो वो श्रीनगर है, तो चेरी टोमेटो भी यहाँ पे हमारे उसमें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप दूसरे प्रोजेक्ट की भी मैं बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट है, मशरूम के यहाँ काफी लोग ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, बट दैट इज वो लोग 2-3 lakh ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। अगर मशरूम के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट NHB की स्कीम के अंदर इंटेग्रेटेड, उसमें क्या है जो जितने भी डिपार्टमेंट अभी हैं, या तो वो प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, या फिर वो कैनिंग के लिए दे रहे हैं, या वो कंपोस्टिंग के लिए दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो आपको प्रोडक्शन भी कवर करेगा, आपका कंपोस्टिंग यूनिट भी कवर करेगा, आपकी जो है तो आपका कैनिंग भी कवर करेगा, आपकी ऑफिस, एक इंटेग्रेटेड प्रोजेक्ट में मिला के 50% सब्सिडी और मैक्सिमम आपको 37.50 lakh तक सब्सिडी देता है। और जो मैंने अभी फ्लोरिकल्चर और जो वेजिटेबल्स की बात किए थे उसमें भी 50% सब्सिडी और मैक्सिमम जो फैमिली सीलिंग रखी हुई है वो 56 lakh rupees रखी हुई है। और जो फ्लोरिकल्चर करना चाहता है वो मशरूम भी कर सकता है। और इन दोनों ही प्रोजेक्टों के साथ आप जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपको सपोज यहाँ, क्योंकि देखो श्रीनगर की एक चीज मैंने देखी है, श्रीनगर अपने आप में कश्मीर एक ब्रांड है। अगर आप दिल्ली में खड़े होके श्रीनगर का एक छोटा सा चीज भी जो श्रीनगर में बनी हो, एक पैन भी है, छोटा खिलौना भी बेचना चाहे तो हाथों हाथ उठ जाएगा। तो श्रीनगर की जब वेजिटेबल कहीं भी जाएगी उसका अपना अलग ही बात होगी, ठीक है जी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये मार्केटिंग का काम खुद भी किया है। हमारी स्कीम्स में हॉर्टिकल्चर फेयर लगता है, उसमें हम मुख्तलिफ स्टेट से उनका प्रोड्यूस मंगा के या ले जाके वहां पे जो अवेयरनेस करते थे कि भाई देखिए ये कश्मीर का ये वैरायटीज है, और आपके पास तो एप्पल्स की माशाल्लाह, और चाहे वो एप्रिकोट हो, चाहे आपके पास ग्रेप हो, मतलब ऐसा कौन सा बेहतरीन फ्रूट है? एप्पल का आपने जिक्र किया क्योंकि अब वक्त बहुत कम है कि ज्यादा से ज्यादा हम कवर करें, वो भी हमारे मेजर क्रॉप्स में शामिल होता है, उसके लिए कुछ कोई ऐसी स्कीम है कि उसको जो वैल्यू एडिशन में इजाफा हो? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मेरी ये बिल्कुल दिली इच्छा है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए और खास तौर से इस सेक्टर के लिए कुछ कर पाऊँ। जो सबसे बड़ी स्कीम्स है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की है, उसके लिए हम लोग इंटेग्रेटेड प्रोजेक्ट भी देते हैं, उसमें आपका पैक हाउस भी कवर होता है, बाहर ले जाने के लिए बेचने के लिए रेफर वैन भी होती है, आपका बनाना राइपनिंग चैम्बर्स भी कवर होता है आप के लिए जो है, तो उसमें प्री कूलिंग यूनिट भी आती है आपके लिए, उसमें जो है तो मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट भी आती है, और उसके साथ साथ भी आपका कोल्ड स्टोर भी आप छोटा अपने ही फार्म पे बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैं हमेशा से यहाँ पर, मतलब मेरा जो सबसे बड़ा एफर्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एप्पल का सबसे बड़ा 80% प्रोडक्शन आप कर रहे हैं जो ऑन द रिकॉर्ड, हालांकि लोग तो कहते हैं 89 तक हम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ वैल्यू एडिशन है उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो वैल्यू एडिशन के लिए NHB की बहुत ही इनोवेटिव स्कीम्स है, एप्पल ग्रेडिंग एंड पैकिंग यूनिट्स, और उसमें आपका कोई भी फार्मर आए मेरे साथ, मैं उसको चाहे वो मुझसे फोन पे कॉन्टेक्ट करे, मेल पे कॉन्टेक्ट करे, मैं इंशाल्लाह उसको पूरी हेल्प करूंगा प्रोजेक्ट
शुरू करने से लेके सब्सिडी मिलने तक, तो वो हमारी पांच टाइप की एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, उनमें 12.47 से शुरू होकर 70 लाख तक की है, इनमें भी सब्सिडी हमारी 50% है। और मैक्सिमम सब्सिडी इनका मिला के भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं दूसरे कंपोनेंट के साथ, और इन कंपोनेंट्स को हम स्टैंड अलोन यानी कि अलग अलग भी ले सकते हैं। आपको अगर भाई आपके पास एप्पल हो रहा है और आपको सिर्फ कोल्ड रूम चाहिए चार महीने रखने के लिए, तो आप कोल्ड रूम बना लीजिए। आपको पास एप्पल है और आप भेजना चाहते हैं तमिलनाडु या कहीं दूर, तो आपको तो प्री कूलिंग करना पड़ेगा, तो आप रख के अपना प्री कूलिंग कर लीजिए, आप रेफ्रिजरेटेड वैन लीजिए यहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस पे भी हमारे 145 लाख का प्रोजेक्ट होता है टोटल, और उस पे 72.50 लाख की सब्सिडी ले सकते हैं, और जो है आप इनको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है वैल्यू एडिशन के लिए। और साथ में एक छोटी सी स्कीम आपको मैं और बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सभी मैं अपने जो नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दे, जो कोल्ड स्टोरेज की स्कीम्स है, जो हमारी सबसे बड़ी स्कीम है, उसमें हम 5001 मैट्रिक टन से लेके 10,000 मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज कवर करते हैं। उसमें नए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी हम लोग जो है तो सब्सिडी देते हैं, और कोल्ड स्टोरेज के एक्सपेंशन के लिए भी और उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भी। उसमें हमारे 8-9 पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन जिनके लगे हुए हैं, अगर वो मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो उसपे भी 50% सब्सिडी है, और उसपे मैक्सिमम सब्सिडी हमारी 7.5 करोड़ तक है, जो बड़े इंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं काफी लोगों से मंडी में और कोल्ड स्टोरेज वालों से जो यहाँ प्रेसिडेंट्स वगैरह उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस जो है दूरदर्शन कासिर के माध्यम से कि अगर जो हजरात मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे तारुफ कर सकते हैं इस बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी स्कीम जो मैंने एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, रेफर वैन या बनाना राइपिंग चैम्बर या कोल्ड स्टोरेज की जो बताई है, ये सारे के सारे जो यूनिट है, अभी जो हमारे पीएम साहब हैं उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च की है, जो 1,00,000 करोड़ की स्कीम है। ये सारे प्रोजेक्ट एंड राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए किसान को 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर लेने के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, यानी कि सिर्फ उसको अपनी लैंड और प्रोजेक्ट, सपोज ये उसकी लैंड है और इस पे प्रोजेक्ट लग रहा है, यही बैंक मॉर्गेज करेगा और 2 करोड़ रुपए तक की लोन उसको दी जाएगी। और सेकंड बात यह है कि 7 ईयर्स के लिए उसको 3% जो इंटरेस्ट रेट है उसमें सबवेंशन दिया जाएगा। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आई, आपने जो फंड की बात आपने बात की, जो कि उसके पास लैंड होगी और उनको वो दिया जाएगा, कोई ऐसा किसान जो गरीब किसान है उसके पास जमीन ही नहीं, उसके लिए कोई स्कीम? बिल्कुल, ये बहुत माशाल्लाह बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम्स है उसमें जमीन प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन की ओनरशिप होना जरूरी है। भाई जमीन उसके नाम हो, वो क्लियर टाइटल हो, उस पर कोई भार या कोई चार्ज ना हो, मॉर्गेज ना हो किसी एक्टिविटी में हो। लेकिन ऐसे यूथ भी हैं जो मतलब एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं और उनकी अपने पास जमीन नहीं है और वो बहुत ही या पढ़े लिखे यूथ हैं, तो वो भी आ सकते हैं। सिर्फ सिंपल है, आप जो जमीन का पार्ट है, छोटा प्रोजेक्ट भी है, जैसे मैंने बताया एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट है, 12-13 लाख से कर सकते हैं। हिमाचल आपका हिमालय रीजन का स्टेट्स है, वहाँ बहुत लोगों ने इस तरह की एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग, जैसे सपोज एक गांव है उसमें खूब बगीचे लगे हुए हैं, आप लैंडलेस फार्मर हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, आप 11 साल के लिए 10 साल के लिए जिस दिन से प्रोजेक्ट आप एनएचयू में ऑनलाइन करते हैं, हमारे सभी प्रोजेक्ट ऑनलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस दिन से आप प्रोजेक्ट डालते हैं तो आपकी वो 10 साल होनी चाहिए, लेकिन 5-4 महीने बढ़ा के लेना है क्योंकि कुछ लोन लेने में और एनएचपी में भी 2-3 महीने की फॉर्मेलिटीज लग जाती हैं। तो वो भी लीज पे जमीन लेके इन सब प्रोजेक्टों को लगा के अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट। अच्छा, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है अमलाए जा रहे हैं, उन पे बात हो रही है और प्रोग्राम्स कई सारे जो कंडक्ट हो रहे हैं, साथ ही में स्कीम्स के बारे में भी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की, अब चूंकि छोटा एक बागवान जो अपनी नर्सरी स्टार्ट करता है उसमें सारी टेक्निक्स अपनाता है, जो जो जरूरत है, जो जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद जब वो रिजल्ट देखता है, रिजल्ट वो सामने नहीं आता है। गोया हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, ट्रेनिंग की कमी होती है। आपके बोर्ड की तरफ से उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं? जी। अभी मैं यहाँ पे 1 सप्ताह 8 दिन हो गए हैं, मुझे सप्ताह से भी ज्यादा हो गया है, तो मैंने 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, और जो भी यहाँ पे जो टेक्निकल इदारे हैं, जैसे
आपका सिरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज है, या आपका सीआईटी है, आईसीआर का इंस्टीट्यूशन है, या आपके जो प्रीमियर केवीकेज हैं, सोपियान है, पुलवामा है, जो भी ये लोग देते हैं, हम लोग इन सब के साथ मिलके जो है तो हम लोग इनको फंडिंग भी करते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, और हम खुद भी थोड़ा कोरोना की वजह से पिछले दिनों दिक्कत रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये सब देखो वैक्सीन आ गया है, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे और ये भी करते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नर्सरी एक्रेडिटेशन के लिए आपने मुझे एक शब्द यूज किया, अल्फाज यूज किए हैं, तो मेरी थोड़ी उर्दू कमजोर है थोड़ा सा, क्योंकि मैं दूसरे साउथ में और इधर भी कई स्टेट्स में अलग अलग मैं काम कर चुका हूं, तो मैं नाजरीन से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर मेरे से कहीं कोई अल्फाज बोलने में उर्दू में या किसी भी उसमें गलती हुई हो तो माफी चाहूंगा। माशाल्लाह आपकी जो मैसेज है आपने जो जिस तरह से अपने इस हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में, नेशनल हॉर्टिकल बोर्ड के बारे में तफसील से जानकारी दी, हमारे नाज़रीन जो ज़रूर महसूस होंगे, खासकर हमारे जो बागबान हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको ज़रूर से फ़ायदा पहुँचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग जेएंडके में आने के लिए, इतनी मुफीद बातें हमारे किसान भाइयों को और जो बागबान हैं उन तक पहुँचाने के लिए। और नाज़रीन किराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये एक घंटा हमारे साथ गुजारने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और SOPs का भी ख्याल रखिए, और देखते रहे अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।